हाँ, ये जो जिस तरह का जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स हो रही है, ये इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि जिस प्रकार का माहौल, जिसको घबराया हुआ है वो इधर उधर जा रहा है। हम तो सभी विधायक दल, हम लोगों ने मन बनाया कि हम जब इतना अस्वस्थ है हमारी सरकार के प्रति और हमारे विधायकों के प्रति, तो हम सब घूमने जा रहे हैं और एक साथ हम सब हैं। कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी 100%, अंगद का पांव है कांग्रेस की सरकार। बेंगलुरु के विधायक जी, संख्या सबके सब जीते हुए आप लोगों के पास, आप मीडिया के माध्यम से हमें जो पता लगा था कि 20-22 विधायक गए हैं, वो सबके सब हमारे पास आ रहे हैं, लौट रहे हैं। एक हम जानेंगे, ये युवा विधायक हैं, ये कुणाल चौधरी युवा विधायक हैं, क्या कहना है? स्पष्ट है कि एक तथा कथित राजा महाराज जिस प्रकार से शतरंज के खेल में राजा को बचाने के लिए प्यादे से लेकर वजीर तक की हत्या कर दी जाती है, उसी प्रकार से महाराज अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए और तानाशाही चलाने के लिए, राजतंत्र लाने के लिए इस प्रदेश के नौजवान विधायकों के भविष्य का कत्लेआम करने में लगा है, इस मध्य प्रदेश के नौजवान का, गरीब का, किसान का। पर सब बेहतर है, जिस दिन काउंटिंग होगी 130 से ज्यादा विधायक छोड़ोर पर आएंगे। बेंगलुरु के विधायकों के बारे में क्या कहना है? सब हमारे साथ हैं, सब आ रहे हैं, सबको भ्रम फैला के ले जाया गया था और अब किडनैप कर लिया गया। जिस दिन भी सदन में आएंगे सब कांग्रेस को वोट देंगे। सब लोग लगे हुए हैं वहाँ पे भी, बेंगलोर में भी हमारी यूनिट और सभी हमारे लोग वहाँ से। क्या क्या कहना है आपका जी? कहाँ जा रहे हैं? छुट्टी मनाने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? नहीं, हम लोग सब साथ में हैं, पूरे विधायक साथ में हैं और एक साथ रहेंगे और फ्लोर पे कैसे भी हम लोग जीतेंगे, 120 130 के ऊपर हमारी गिनती आएगी। ये जो विधायकों का जो कॉन्फिडेंस है, सबका कहना है कि फ्लोर टेस्ट में जीतेंगे और बेंगलुरु जो विधायक गए हैं उनको भी भ्रम फैलाकर ले जाया गया था और राजतंत्र की जो मानसिकता से जो ये कदम उठाया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा, ये निश्चित तौर से वो विफल साबित होगा। फ्लोर टेस्ट में 120 से ज्यादा विधायक यहाँ पे अपना विश्वास मत कमलनाथ सरकार के प्रति जताएंगे और ये जो स्थितियां हैं आप देख सकते हैं, ये बसों में जो है बैठकर यहाँ आए हैं एयरपोर्ट पर और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैं, जयपुर यहाँ से रवाना होंगे थोड़ी देर में। ये दोनों बसें आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पर, यहाँ दो बसों में बैठकर कांग्रेस के विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं और जल्दी ही ये यहाँ से रवाना होंगे। और हम आपको बता दें कि जब हमने यहाँ से वहाँ से सीएम हाउस से यहाँ रवाना हुए थे ये विधायक, तो इसमें सभी विधायकों को शामिल किया गया था और ख़ास तौर से ये है कि निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा भी कुछ समय पहले यहाँ मौजूद थे और उन्होंने मीडिया से भी बात की है और कहा है कि कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। कौशल, यहाँ पे कांग्रेस के विधायक काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, बसों में भरकर अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, यहां से वो जयपुर के लिए रवाना होंगे। और इससे पहले बीजेपी अपने विधायकों को भोपाल से गुरुग्राम शिफ्ट कर दिया है, उन्होंने गुरुग्राम के ITC ग्रैंड भारत होटल में उनको ठहराया है और उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। विजयवर्गीय ने इस मौके पर कहा कि हम यहाँ त्योहार के मूड में हैं और छुट्टियां मनाने आए हैं। जो भी होगा वो आपको सूचना मिल जाएगी, जैसा भी होगा आपको सूचना मिल जाएगी। अभी कुछ भी बताना अचानक मुझे लगता है कि उपयुक्त नहीं है, पर समय पर सूचना मिल जाए। हम तो वैसे फेस्टिवल मोड पे लाए, हॉलीडे मनाने आए, होली का त्यौहार मनाने आए। मैं समझता हूँ ये शुरुआत है इस प्रकार सिंधिया जी की, या अन्य प्रदेशों में भी जाएगी। मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा, लगता है मुझे कि सरकार कमलनाथ जी के बच नहीं सकते। विधायक लोग बैठेंगे, सब चर्चा करेंगे। कितने लोग आए हैं भोपाल से? 106 लोग। क्या कांग्रेस के विधायक भी आएंगे क्या दिल्ली में? नहीं, उनके बारे में जानकारी नहीं। और आगे क्या रणनीति होगी? विधायक दिल्ली बैठक में तय करेंगे।